जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ पे देख के। अच्छा लगा, अच्छा लगा ट्रेलर। मैं आप सबसे एक ही बोलना चाहूंगा कि आप सब यहाँ पे आए, हम लोगों को इतना प्यार दिया, और जिस तरह से हमने ये पूरे भक्तिभाव से ये फिल्म बनाई है, उसी तरह से लोग इसे देखेंगे और इसके जो विविध पहलू हैं, पहली बार बहुत सालों के बाद और हिंदी में पहली बार प्रभु श्री राम की गाथा जो है हमें बड़े पर्दे पर देखने मिलने वाली है, वो भी 3D में देखने मिलने वाली है। तो हमने ये बनाते वक्त बहुत आनंद लिया है। मैं सोचता हूँ और ये समझता हूँ, और मेरी पूरी टीम के एक कैप्टन के तौर पे मैं आप सब से ये कहना चाहूँगा कि हम सबको लगता है कि हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ये फिल्म बनाने में, ये प्रभु श्री राम की गाथा जो है, ये रामायण का ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आदिपुरुष, इसे हमें करने का हमें एक मौका मिला। रामायण की गाथा जो है वो कई सालों से हमारे भारत में चलते आ रही है, विश्व में चलते आ रही है। रामलीला जो है वो हमारे हर गांव में चलती है, रामलीला जो है हमारे हर शहर में चलती है, कई सालों से चलती आ रही है। वो रामलीला का एक एक कलाकार, ये कितने हजारों सालों से ये रामलीला चल रही है, वो रामलीला का एक एक कलाकार, उन्होंने जितनी सालों से मेहनत की है, जितनी सालों से श्रद्धापूर्वक मेहनत की है, वो सब मेहनत, उन सब के लिए मैं ये आदिपुरुष डेडिकेट करना चाहता हूं। जिस तरह से ये रामलीला रामायण सालों से चलती आ रही है, बहुत सालों से चलती आ रही है, और आगे वाले अनेक वर्षों तक ये चलती रहेगी। हमें सबको ऐसे लगता है कि ये एक बस है, और ये बस के अंदर आज हम चढ़े हैं, ये बस में हम कुछ साल चलते रहेंगे और फिर हम उतर जाएंगे और फिर और कोई चढ़ेगा। पर ये बस जो है, ये रामलीला का जो ये जो जर्नी है, ये चलती ही रहेगी। जब तक भारत है तब तक हम सब रामलीला विविध रूप में देखते रहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और आप सब आए, फिर से आपका धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम।